नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू के हलवे की रेसिपी, जो आप नवरात्रों में या एकादशी किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं और बिना व्रत के बनाकर भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। इसके साथ लिया है मैंने आधा कप चीनी का। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 चम्मच यहाँ मैंने देसी घी लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने यहाँ कटे हुए, आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में 1/4 चम्मच इलायची पाउडर का। सबसे पहले एक बड़ा बॉल लेकर उसमें मैं आलूओं को घिस लूँगी। आप चाहें तो आलूओं को हाथ से भी मैश कर सकते हैं या पोटैटो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए इसका टेक्स्चर, तभी आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। हमारे आलू ग्रेट हो गए हैं। अब एक कढ़ाई लेके मैंने उसमें यहाँ 4 चम्मच घी ऐड कर लिया, 1 चम्मच बचा लिया है, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं उसे ऐड करूँगी। घी गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे आलू। अब आलू को भून लेंगे हम घी के साथ अच्छे से। यहाँ मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में ये आलू का हलवा बना रही हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है नॉनस्टिक में आलू का हलवा बनाना, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल कढ़ाई में, एल्युमिनियम की कढ़ाई में, स्टील में इसे बनाएंगे तो इसके चिपकने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर नॉनस्टिक में आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। इसमें हलवा आपका ना तो चिपकता है और इवनली कुक हो जाता है चारों तरफ से। यहाँ मैंने जो घी बचाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छे से कंटिन्यू इसे हम भूनेंगे। देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए हैं मुझे हलवा भूनते हुए। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखी हुई है। और लगातार इसे चलाते रहें। लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे आलूओं को भूनते हुए और आलूओं ने अब अपना घी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी और चीनी ऐड करने के बाद भी हम इसे कंटिन्यू भूनते रहेंगे, क्योंकि चीनी थोड़ा पानी छोड़ती है। तो जब तक ये पानी सूख नहीं जाता हम इसे अच्छे से भूनेंगे। आप चाहें तो इसको और रिच बनाना चाहते हैं हलवे को, तो इसमें थोड़ा खोया भी ऐड कर सकते हैं या मिल्क पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। पर यहाँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपी बता रही हूँ आलू के हलवे की, ये ऐसे ही बहुत स्वाद लगता है। आप चाहें तो इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं या बिना व्रत के भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इस हलवे को बनाना और बहुत ही कम सामान में बहुत जल्दी बन जाता है यह हलवा। अब हमारी चीनी का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो इसमें ऐड कर लेंगे हम अपना इलायची पाउडर। ज़्यादा इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कूट के डाल रहे हैं तो 2 इलायची का पाउडर बहुत है इस हलवे के लिए। देखिए भुनने के बाद ये आलू अपना पूरा घी छोड़ देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड करके हलवा, पूरा घी निकल आया है इन आलूओं में से। आप चाहें तो इस घी को रीयूज़ कर सकते हैं। हमारा आलू का हलवा एकदम रेडी है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप चाहे तो हलवा बनाते हुए भी थोड़े ड्राई फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा व्रत के लिए आलू का हलवा एकदम रेडी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।